हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं क्लास 12th का एक्सरसाइज 7.4। तो दोस्तों, एक्सरसाइज 7.4 पढ़ने से पहले इसका कुछ फॉर्मूला, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, तो उसको जानना जरूरी है। तो दोस्तों, अभी हम इसको बताने वाले हैं, पहले फॉर्मूला, उसके बाद एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए एक्सरसाइज को से पहले फॉर्मूला को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन, इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस। क्या लिखा हुआ? इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस। तो इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले ही आपको जो 6 फॉर्मूला लिखा हुआ है, 6 फॉर्मूला सूत्र लिखा हुआ है, उसको आप अच्छा से आपको जो है 2-4 बार लिखिएगा खुद से, तो याद हो जाएगा। फॉर्मूला को रटने से याद नहीं बल्कि लिखने से याद होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, फॉर्मूला है, बारी बारी से इसको जो है ध्यान से देखिए। 1x² - a² dx रहेगा, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है 1/2a log x - a / x + a + कॉन्स्टेंट। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर समझ के याद करना है, पहले x² बाद में a² था, यहाँ पर पहले a² आ गया, -x² आ गया। तो अगर पहले a² आ गया तो 1/2a log a + x / a - x होगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, यहाँ दोनों में माइनस था, पहले x² - a² था, बाद में a² - x², अब यहाँ पर x² + a² हो गया। या इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं कि 1/a² + x², चाहे x² + a², इसे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के लिए यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो 1/10 inverse x / a + कॉन्स्टेंट होता है। अगर रूट में रहे, ध्यान से देखिए, अगर रूट में रहे 1/x² - a², इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स प्लस में √x² - a², 1/√x² + a² dx रहेगा, तो लॉग एक्स प्लस √x² + a², यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, और यहाँ पर 1/√a² - x² dx है, तो sin inverse x / a है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये तीनों फॉर्मूला लास्ट वाला देख लीजिए, ये तीनों में रूट लगा हुआ है। उसमें भी क्या है कि 2 रूट वाला है, जिसमें पहले x² लिखा हुआ है। तो अगर पहले x² रूट के अंदर में रहे, ध्यान से सेट कर लिया दिमाग में कि रूट के अंदर में अगर पहले x² रहे तो लॉग वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर पहले a² रहे तो sin inverse x / a का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों, आप इसको अच्छा से जो है नोट कर लीजिए और इसको 2-3 बार लिख लीजिएगा, तो ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं एक्सरसाइज 7.4 यानी प्रश्नावली 7.4 का पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, 3x² / x^6 + 1 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर कर सकते हैं दोस्तों 3x² और इसके बटा में x^6 को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि x^3 और इसका क्या करते हैं स्क्वायर और प्लस में 1 और dx। एक बार और समझ लीजिए, 3x² है तो 3 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या आएगा, 3×2 = 6 यानी कि 2×3 = 6। यानी इस बात को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस वैल्यू को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब हो गया दोस्तों, यहाँ पर कहानी खत्म। यहाँ पर x^3 को क्या करेंगे, यानी x³ को लेट कर लेंगे, क्या लेट करेंगे, टी लेट करेंगे। हमेशा टी लेट करते हैं तो लेट कर लीजिए, TLET लेट, और लेट मतलब क्या हो गया, मान लिया गया है। तो यहाँ पर जिसको लेट करते हैं आपको पता ही हुआ, क्या करते हैं, डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो यहाँ पर dx³ तो y dx लिखेंगे और =dty क्या आएगा दोस्तों, dx आएगा। यानी कि यहाँ पर dx³ तो x^n का डिफ्रेंसिएशन लगा देंगे। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं, x^n का डिफ्रेंसिएशन होता है दोस्तों (n)(x^n-1), 10 के स्थान पर 3 और इंटू में x और 3 में से 1 जाएगा, यहाँ पर 3 - 1 और dty क्या लिखेंगे, dx लिख देंगे दोस्तों। यानी कि 3x² = dty क्या आएगा, dx आएगा। यानी यहाँ से dx का वैल्यू अगर निकलता है तो क्या निकलेगा, dx = dty क्या आएगा दोस्तों, 3x². तो इतना कर दिया, अब सीधा चलते हैं प्रश्न से। तो प्रश्न से यहाँ से नहीं, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ लिखेंगे प्रश्न से यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, 3x² लिखा हुआ है, इसके बटा में डिवाइड में लिखा हुआ है x³ और इसका स्क्वायर, तो x³ लिख देंगे और x³² प्लस में 1 और dx। तो यहाँ पर देखिए, 3x² y
एक्स क्यू, तो एक्स क्यू को क्या लेट किए हैं, स्मॉल टी लेट किए हैं, तो स्मॉल टी लिखेंगे और इसका स्क्वायर लिखेंगे प्लस में वन और इंटू में डी एक्स, तो डी एक्स का वैल्यू क्या आया है डी टी वाई थ्री एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे डी टी वाई क्या लिखेंगे थ्री एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, यानी कि बस यह ऊपर में वन बाई टी स्क्वायर प्लस में वन और डी टी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो अभी फॉर्मूला बताया उसमें इस फॉर्मूला को भी अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट होता है वन बाई, यहाँ पर देखिए अगर इस प्रकार से वन बना रहे तो डायरेक्ट आप यही फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए, वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स रहता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है टेन इनवर्स एक्स और प्लस में कांस्टेंट, तो यहाँ पर इस फॉर्मूला को अप्लाई कीजिएगा तो वन बाई वन प्लस टी स्क्वायर है तो टेन इनवर्स एक्स के स्थान पर क्या होगा टेन इनवर्स टी होगा प्लस में कॉन्स्टेंट हो जाएगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पर लिख सकते हैं टेन इनवर्स टी, तो टी के स्थान पर क्या लेट किए हैं तो टी के स्थान पर एक्स क्यू लेट किए थे, तो यहाँ ले देंगे एक्स क्यू और प्लस में कॉन्स्टेंट। तो दोस्तों ये इस सवाल का आंसर हुआ, तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए। चलिए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू यानी क्वेश्चन नंबर दो, तो क्वेश्चन नंबर दो कुछ इस प्रकार से वन बाई रूट अंडर वन प्लस फोर एक्स स्क्वायर, तो इसको आप क्या कर सकते हैं आप ध्यान से देखिए वन प्लस में फोर, तो फोर को क्या कर सकते हैं टू और एक्स और इसका होल स्क्वायर, इससे फायदा क्या होगा दोस्तों आप ध्यान से देखिए, अभी एक फॉर्मूला बताए हैं कि वन बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहे चाहे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहे, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है लॉग एक्स प्लस में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। आप ध्यान से देखिए यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहे चाहे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहे, दोनों में यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन माइनस वाला में ये नहीं होता है, प्लस में वाला में पहले ए लिखा हुआ चाहे बाद में ए लिखा हुआ है, इससे कोई जो है प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर एक को एक का स्क्वायर लिख दीजिएगा तो यही फॉर्मूला फिट हो गया, ए के स्थान पर एक है और एक्स के स्थान पर कितना है टू एक्स है, तो फॉर्मूला क्या आप लगेगा दोस्तों लॉग एक्स, तो एक्स के स्थान पर कितना है टू एक्स है और प्लस में रूट अंडर एक्स स्क्वायर, तो एक्स के स्थान पर कितना है टू एक्स है, तो टू एक्स का स्क्वायर लिख देंगे और प्लस में वन, तो ए के स्थान पर क्या है तो वन का स्क्वायर है, निकाल दो इसको। चलिए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू यानी क्वेश्चन नंबर दो, तो क्वेश्चन नंबर दो क्या है इस प्रकार से है, यहाँ पर ध्यान से देखिए इसको आप पहले चेंज कर दीजिए, पहले लिख दीजिए फोर एक्स स्क्वायर और बाद में लिख दीजिए प्लस में वन और यहाँ पर क्या लिखेंगे डी एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा वन बाई फोर, तो फोर को आप किसका स्क्वायर लिख सकते हैं टू एक्स और इसका स्क्वायर लिख सकते हैं और प्लस में वन है तो वन और क्या लिखेंगे डी एक्स। अब यहाँ पर देखिए वन को वन का स्क्वायर लिख दीजिए इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो बताइए इसमें एक्स के स्थान पर क्या है टू एक्स है और यहाँ पर ए के स्थान पर क्या है वन है यानी एक है, तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे लॉग एक्स, तो एक्स के स्थान पर क्या आएगा टू एक्स प्लस में रूट अंडर एक्स स्क्वायर, तो टू एक्स का स्क्वायर और प्लस में ए का स्क्वायर, तो ए के स्थान पर वन और इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे और प्लस कॉन्स्टेंट। अब बताइए दोस्तों क्या करना है, एक चीज और बचा हुआ है जो एक्स के इंटू में रहता है वो कहाँ आता है बटा में चला जाता है, तो आप पूरा का बटा में यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा दो, तो ये दो इतना सुइटेबल यहाँ जगह नहीं लग रहा है तो इसको क्या कर दीजिए वन बाई टू को आप सबसे पहले लिख सकते हैं, इसका भी मतलब हुआ कि पूरा के ही बटा में है, तो वन बाई टू टू एक्स प्लस में रूट अंडर इसको आप जैसे कि फिर से स्क्वायर कर सकते हैं, तो टू का स्क्वायर क्या हो गया फोर एक्स स्क्वायर और प्लस में वन और प्लस कॉन्स्टेंट। तो दोस्तों यही सवाल का आंसर हो गया, आप नोट कीजिए इसको। चलिए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री, तो क्वेश्चन नंबर थ्री यानी क्वेश्चन नंबर तीन कुछ इस प्रकार से है वन बाय रूट अंडर टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस में वन, तो वन को आप क्या लिख सकते हैं वन का स्क्वायर, तो अभी जिस प्रकार से फॉर्मूला लिखे थे क्या फॉर्मूला था फटाफट लिख देते हैं वन बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स रहेगा, तो इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स प्लस में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, तो इसी फॉर्मूला को अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से दोस्तों वन बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स के स्थान पर पूरा वैल्यू क्या है टू माइनस एक्स है और प्लस में ए, तो ए के स्थान पर क्या है वन है, तो वहां पर फॉर्मूला अगर अप्लाई कीजिएगा तो लॉग लिखेंगे एक्स है तो एक्स के स्थान पर क्या लिखना है टू माइनस एक्स प्लस में रूट अंडर एक्स स्क्वायर, तो एक्स के स्थान पर क्या है टू माइनस एक्स और इसका स्क्वायर और प्लस में ए का स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर और प्लस में क्या लिखेंगे कॉन्स्टेंट। बटा में भी कुछ आएगा तो कुछ आएगा जरूर आएगा, क्या आएगा बताइए एक्स के इंटू में कुछ नहीं तो क्या है कुछ नहीं तो माइनस वन है, तो माइनस वन कर देंगे यानी माइनस को पहले लिख देते हैं तो लॉग हो जाएगा और यहाँ पर टू माइनस एक्स और प्लस में रूट अंडर इसको आप ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो दो का स्क्वायर कितना होगा चार और प्लस में एक्स स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पर
दो दूनी कितना रहेगा माइनस चार एक्स और प्लस में एक का स्क्वायर कितना होगा एक और प्लस में कांस्टेंट। अब देखिए ध्यान से दोस्तों यहां पर क्या करेंगे माइनस लॉग टू माइनस एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स हो जाएगा और फोर और वन तो फोर और वन को ऐड कीजिएगा यानी जोड़िएगा तो क्या जाएगा फाइव आ जाएगा प्लस में कांस्टेंट। तो यहां पर देखिए दोस्तों माइनस लगा हुआ है इसके बटा में कुछ नहीं तो क्या है एक है। अगर यहां से माइनस इतना भी आप आंसर ले सकते हैं लेकिन अगर यहां से माइनस हटाइएगा इधर वाला वैल्यू पलट दिया जाता है यानी इसको पलट देंगे एक ऊपर में और जो पूरा वैल्यू नीचे में आएगा यानी इसका जो आंसर आएगा फाइनल वन बाय टू माइनस एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस में फाइव प्लस कॉन्स्टेंट ये आंसर हो गया। तो आप इसको नोट कीजिए। चलिए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। तो क्वेश्चन नंबर फोर कुछ इस प्रकार से है कि वन बाय रूट अंडर नाइन किसका स्क्वायर होता है थ्री का स्क्वायर होता है इसको आप क्या लिख सकते हैं फाइव एक्स और इसका स्क्वायर और इंटू में क्या जाएगा दोस्तों डीएक्स। अब बताइए किसका फॉर्मूला है तो अभी तुरंत बताए हैं फॉर्मूला लिस्ट देख लीजिए रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स बाय ए और प्लस में कॉन्स्टेंट। तो देखिए अगर प्लस में रहेगा तो उल्टा पुल्टा कर सकते हैं लेकिन माइनस में रहेगा तो ये फॉर्मूला हुआ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए तो यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स तो एक्स के स्थान पर क्या है दोस्तों फाइव एक्स है और इसके बटा में ए है तो एक स्थान पर क्या है थ्री है और प्लस में कॉन्स्टेंट और बटा में कुछ होगा जी हाँ बिल्कुल आपने सही सोचा बटा में क्या जाएगा फाइव है एक्स के इंटू में वो कहा जाता है बटा में जाता है तो आप यहाँ पर पांच लिख सकते हैं यानी ये बटा यहाँ पर कर देंगे तो यहाँ पर आएगा कितना वन बाय फाइव साइन इनवर्स फाइव एक्स बाय थ्री और प्लस कॉन्स्टेंट ये सवाल का आंसर हो गया। तो वीडियो पॉज करके आप इसको दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी न भूले। तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय।